Hello everyone, my name is Anish Singh Thakur and I am a trader and I trade all the markets, stock market, forex market, crypto markets, but I also like to do swing trading. And to do swing trading, you need to, you know, plan your trade and wait for the right opportunity. And when your plan is activated, jabhi bhi aapka plan jo kiya tha wo cheez ho jaye, आपको एक्शन लेना चाहिए. तो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है. मैं आपको केस स्टडी बना के दे रहा हूँ टीसीएस की. इट्स नॉट जस्ट अ सिंपल ट्रेंड लाइन एंड सिंपल वीडियो. दिस इज अ वेरी एजुकेशनल वीडियो फॉर यू. अगर आपको सच में इस फील्ड में कुछ आगे करना है, करियर वगैरह बनाना है, या एटलीस्ट पार्ट टाइम ही करना है, हाँ लेकिन करना हमेशा पार्ट टाइम करना, जॉब बिजनेस करने के साथ साथ, इस वीडियो को ध्यान से देखना, आराम से देखना, माइंड खाली करके देखना, पहले से जज मत करना, आराम से देखो. आपको ना आपको एक पर्सपेक्टिव मिलेगा कि हम कितने डेप्थ में एनालिसिस कर सकते हैं, और जितने डेप्थ में एनालिसिस करेंगे उतने श्योर रहेंगे ट्रेड लेने के बाद होल्ड करने के लिए. डरेंगे वरेंगे नहीं. वी विल वेट फॉर अवर स्टॉप लॉस. ओके, तो चलो पहले वीडियो देख लो एंड देन आखिरी में बात करते हैं अबाउट द रिस्क मैनेजमेंट. ऑलराइट, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस कॉन्सेप्ट विद यू, द केस स्टडी ऑफ टीसीएस. ठीक है, तो केस स्टडी है तो क्या क्या करना चाहिए हम लोग स्टडी में. आई एम अ टोटल टेक्निकल एनालिसिस गाय, सो आई विल ओनली गो विद द टेक्निकल थिंग्स. आई विल नॉट गो विद द फंडामेंटल्स, एग्जैक्टली क्या हो रहा है कंपनी में, क्या कितना काम मिल रहा है, क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या टैक्सेस भर रहे हैं, क्या रेवेन्यू है, कुछ भी नहीं. वो सब कुछ भी नहीं, मेरे को सब कुछ भी मतलब नहीं होता है. वी ओनली विल लुक इन द टेक्निकल्स. और क्योंकि हम पूरी केस स्टडी कर रहे हैं, स्विंग ट्रेड को अच्छे से डील डिस्कस कर रहे हैं, दो रीजन से, कि आप ट्रेड करके पैसे भी कमा पाओ, प्लस आपको एक ऐसी स्किल भी सीखने मिले कि आप भी ये कर सकते हो. तो कभी भी ना देखो, ये वेबसाइट ऑब्स्ट्रा का, ऑब्स्ट्रा पे आकर के आप यहाँ पे फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट पे आके एक बार देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म पे क्या हो रहा था. दिख रहा है आप ट्रेंडिंग स्टॉक है, फॉल आया और रिसेंटली इसमें एक मूवमेंट आया है. ठीक है, ये वॉल्यूम देखेंगे तो पिछले तीन दिन से ना वॉल्यूम इंक्रीज ही हो रहा है. ये दिवाली का दिन था, इसे छोड़ दो, तो पिछले एक दो और आज लुक एट दिस 80s में फिगर है, 90s में फिगर है, 100,000 में फिगर है. तो द वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड. एंड जो दिवाली का दिन छोड़ दो, ये दिख रहा है आपको क्या है वो, उसको लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं. लॉन्ग बिल्डअप होना चालू हुआ है. तो ये फ्यूचर्स का डेटा था. अब ये एक वेबसाइट है जिससे ना हम पूरे सेक्टर का, सेक्टर मतलब कौन से सेक्टर में आता है, ये आता है आईटी सेक्टर में. तो दिस इज निफ्टी आईटी चार्ट, ये निफ्टी आईटी का डेली चार्ट है. अगर हम देखेंगे तो फिब लेवल जो था, एक बार डबल टॉप बना के सपोर्ट लेके अपने इन लेवल्स के आसपास से, कौन से लेवल से देखो, 38.2% लेवल से आके वापस से एक हैमर बनाया है सेक्टर ने. तो सेक्टर का अगर हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे तो विल जस्ट सिंपली गो टू निफ्टी इंडिया सेक्टर्स, विल मेक दिस डेली एंड देन विल क्लिक ऑन अपडेट. ठीक है, तो बहुत सारे सेक्टर आ रहे हैं. तो अगर हम करेंगे तो व्हाट डू यू सी ओवर हियर, आपको दिखेगा कि ये जो आईटी सेक्टर है इंप्रूविंग क्वाड्रेंट में आ गया. अभी इंप्रूविंग क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, इंप्रूविंग क्वाड्रेंट का मतलब होता है, इंप्रूविंग क्वाड्रेंट का चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, वीकनिंग, लैगिंग, इंप्रूविंग, लीडिंग. यूजुअली स्टॉक ऐसे घूमता है. तो ये अभी इंप्रूविंग में आ गया. अगर मैं इसकी टेल बढ़ाऊं तो ये कहां से आया है, ये देखो एग्जैक्टली मैंने बोला ना, ये ऐसा वीकनिंग लैगिंग होते हुए फिलहाल ही इंप्रूविंग में आ चुका है. अगर मैं यहां पे, अगर मैं टीसीएस का पता करूं, टीसीएस कहां पे है, तो टीसीएस भी आपको देखने मिलेगा, टीसीएस ऑल्सो केम फ्रॉम वीकनिंग टू लैगिंग नाउ इंप्रूविंग. अब देखो हमें कौन से स्टॉक चाहिए, हमें ना भाई लीडिंग वाले चाहिए. बट लीडिंग वाले जो ऑलरेडी लीडिंग जा चुके हैं उनका क्या फायदा, जो लीडिंग में जाने वाले हैं यूजुअली, हर बार नहीं बट अ लॉट ऑफ टाइम्स मोस्टली स्टॉक हमेशा ऐसे ही रोटेट करता है, लैगिंग, इंप्रूविंग, देन लीडिंग. तो देखो रिलेटिव रोटेशन ग्राफ के हिसाब से भी एक ठीक अपॉर्चुनिटी आने वाली, आ चुकी अपॉर्चुनिटी तो सबको पता है, वो ऑलरेडी टॉप गेनर में मिलेगा आपको, ऑलरेडी टॉप गेनर्स देख सकते हो. तो ओपन इंटरेस्ट डेटा ये. अब हम आते हैं चार्ट्स पे. सेक्टर का चार्ट हमको एक दिखा रहा है कि एक फॉल होने के बाद, मैं मार्केट स्ट्रक्चर बेस्ड ट्रेडर हूं, एक अच्छा प्राइमरी ट्रेंड अप, देन सेकेंडरी वॉज डाउन, नाउ द सेकेंडरी ट्रेंड इज ऑल्सो ट्राइंग टू बी अप. तो ये मेरे लिए अच्छी बात है, मैं एक फॉल आने के बाद एक अप मूव ले रहा हूं. दूसरी बात टीसीएस का चार्ट देखते हैं, ये क्या कर रखा है मैंने क्या डेली चार्ट खोल रखा है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है जिस पे वो वापस आ चुका है. ठीक है, इट इज देयर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन है. अच्छा, मैंने वो चेक नहीं किया कि इसका मूविंग एवरेज कहां पे है, इसका 200 मूविंग एवरेज भी देख लेते हैं कहां पे है, वो मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि आजकल तो इंडिकेटर देखने का ध्यान ही नहीं रहता. ओके, वो भी नियर बाय ही है, इट्स नियर बाय, इट्स 200 मूविंग एवरेज, लीव इट. अब मैं क्या छोड़ो, अभी क्या हो रहा है, मैं देखना चाहता हूँ कि यार
इसके पहले ना 1, 2, 3, 4 टाइम्स इट हैज ड्रॉप्ड ओवर हियर। आई वांट टू शो यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड ओवर देयर। तो चलो चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, थोड़ा सा ना देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे ना क्या हुआ है। यहां से स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम यहां पे आएंगे, जब इसने ट्रेंड लाइन स्टार्ट करा बनाना, तो आपको क्या देखने मिल रहा है, द मार्केट यहाँ पे इट इज मेकिंग अ स्ट्रक्चर लाइक, देखो एक हमेशा एक फेक ब्रेकडाउन देता है और फिर एक इस तरीके से ब्रेकआउट देता है। एक आपको एक इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फिनोमेना दिखेगा एंड देन पीपल कैन टेक एंट्री ओवर हियर। यहाँ पे भी एंटर कर सकते हैं कुछ, यहाँ कहीं स्टॉप लॉस लगा करके, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, या अगर सेफ ट्रेड चाहते हैं स्विंग ट्रेड, एक घंटे का टाइम फ्रेम है, काफी समय लगता है ना वो, तो इस रीटेस्ट के बाद यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। दिस इज अ रिस्क एंट्री बट कर सकते हैं, एंड दिस इज द परफेक्ट एंट्री। बट अलॉट ऑफ टाइम अगर यहाँ एंटर नहीं किए तो कई बार ये मिलता नहीं, सीधे स्टॉक लॉन्च कर जाता है। तो अलॉट ऑफ पीपल टेक रिस्क एंट्री एंड अलॉट ऑफ पीपल टेक रीटेस्ट एंट्री, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडर यू आर। चलो एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा फिनोमेना था, एक घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाया। अभी एक बार आगे चलते हैं, आगे चले तो फिर से क्या देखे, फिर से मैं देख रहा हूं मेरे को फिर से एक सपोर्ट लिया मार्केट ने, एक फेक ब्रेकडाउन दिया फिर से, और फिर वो डायरेक्टली ब्रेकआउट कर गया, लेकिन इसने रीटेस्ट किया एंड देन अगेन यू कुड हैव एंटर्ड। इवन अगर इसमें भी चाहते तो कर सकते थे, आपको स्टॉप लॉस लगभग थोड़ा सा अपने एक, अगर आपको टारगेट देखो, अगर आप इस कैंडल पे एंटर करते हो तो ऑब्वियसली बात है आप 2-3%, मतलब ऑब्वियसली बात है आप टारगेट, एक स्विंग ट्रेडर को कम से कम 5-6% टारगेट करना चाहिए, तो 2.5%, 3% इज अ नॉर्मल स्टॉप लॉस। ऑब्वियसली बात है अगर आपको 5%, 10% अचीव करना, तो देन यू हैव टू पुट, देन देख सकते हो इट टुक अ रीटेस्ट एंड वेंट अप। ये बेस्ट एंट्री होती बट दिस इज ऑल्सो नॉर्मल एंट्री। ओके, दो केसेस देख लिए, ये बार बार एक वी बनाता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ केस करता है। यहां देखते हैं फिर से आपको देखने मिलेगा ये फिर से बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है, फिर से एक बार सपोर्ट लेता है, एक फेक ब्रेकडाउन देता है, फिर उतने लो तक भी नहीं जाता, सपोर्ट लिया एंड देन इट ब्रोक आउट। फिर से देखोगे आप एक इस तरीके का पैटर्न आपको देखने मिलेगा, ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट किया, फिर गया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न टाइप का भी बना रहा था यहाँ पे, बहुत कचरा हो गया, मैं धीरे धीरे दिखाता हूँ आपको। देन दिस वॉज एन इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर एंड अगेन इट मेड अ स्मॉल, अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम खोलूंगा तो ये भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस आपने सही से किया तो मालूम चलेगा आपको, दिस अगेन वॉज अ ग्रेट एंट्री। तो कहीं पे भी एंटर कर सकते थे, चाहिए तो यहाँ पे एंटर कर सकते थे, इस कैंडल के आसपास भी एंटर कर सकते थे। अगेन आपको 3% का स्टॉप लॉस आपको देना पड़ेगा, यहाँ कहीं एंटर करते हैं तो यहाँ कहीं एंटर करते हैं इस कैंडल के, ये कौन सी कैंडल है, 12:15 है ना, ऑब्वियसली बात है यू शुड एंटर, जस्ट वन मिनट है, मैं इस ब्लू लाइन को थोड़ी देर के लिए रिमूव करना चाहूंगा। ये कितना बजा है, 9:15 का कैंडल है ना, ठीक है 9:15 की कैंडल है। दिन कब बंद हुआ, ये देखो ये 3 बजा, यहाँ कहीं आपको टॉप पे एंटर करना चाहिए कि भाई ये यहाँ पे 3% का स्टॉप लॉस दोगे, यहाँ भी आप अराउंड 2.5-3% का, तो ये भी आपका स्टॉप लॉस बचा रहा है। अदरवाइज मान लो कई बार क्या होता है ना गाइस, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकल टिप है, कई बार हम स्विंग ट्रेड से बाहर आ जाते हैं, कोई बात नहीं आप वापस घुस जाओ इस मूवमेंट में, इस मोमेंटम पे, देखो अगेन आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम मिला। नाउ दिस इज द रिसेंट वन, आई ट्रेडेड दिस वन, ओके मैं बता रहा हूँ आपको, उसको मैंने ट्रेड भी किया, अगेन यू विल सी सेम फिनोमेना, अगेन सपोर्ट और फेक ब्रेकडाउन जो अब हेड बनता है हमेशा, एंड देन अगेन अ ब्रेकआउट, अगेन अ वंडरफुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, एंड अगेन यू नो हाउ मच इट वेंट अप। अब क्या है, थोड़ा वापस से प्रेजेंट टेंस पे आते हैं, मैंने पूरा आपको एनालाइज करके दिया छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे क्या होता है। अब मैं आपको ना यहां लाता हूं प्रेजेंट टेंस में, इट मेड अ न्यू हाई टीसीएस, लकीली आई शुड हैव बुक्ड प्रॉफिट हियर, बट इसने तो ऐसा, चलो आई एक्सेप्टेड इट एंड बिकॉज आई एक्सेप्टेड द लॉस ऑफ 10 lakhs इन टीसीएस, दैट्स व्हाई आई एम इन अ गुड मूड अगेन, सो दैट आई मेड मच मोर प्रॉफिट देन दैट एंड विथड्रॉ अ लॉट ऑफ मनी इन दिस मंथ। इट्स अ ग्रेट मंथ फॉर मी फॉर crypto and normal stocks as well. It's only because I have been unemotional for this. अभी क्या हो रहा है इस पे बात करते हैं। एक मॉर्निंग स्टार बनाया है, छोड़ दो मॉर्निंग स्टार, मैं इस जोन को स्टडी करना चाहता हूँ, इस जोन को स्टडी करना चाहता हूँ। ओके नाउ आई विल ज़ूम इन देयर, देखो क्या है, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू टेल यू, इट्स एन इनवर्टेड हेड एंड शोल्डर वंस अगेन यू सी द मार्केट इज taking a support and V and then again, अगर और छोटे time frame पे जाऊँ वहाँ पे आपको ascending triangle pattern जैसा दिखेगा। पहले तो मैं ये हटा लेता हूँ उसका, इसको आपको मैं 15 मिनट time frame में दिखाऊँ, again you will find an ascending triangle जैसा या inverted head and shoulder जैसा pattern दिखेगा, फिर से आपको देखने मिल रहा है।
और एक चाहो तो ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो अगेन अगर ये ब्रेकआउट दे देता है ना, ये वीडियो मैं एज सून एज पॉसिबल डालने की कोशिश करूंगा, 9th November ट्यूजडे का दिन है, वर्किंग आवर्स में डाल दूंगा। अगर कल के दिन ये तोड़ता है प्लीज टेक एन एंट्री, अ रिस्क एंट्री, पुट अ लॉजिकल स्टॉप लॉस, मिनिमम 3% डालना पड़ेगा, और अगर डर लगता है 3% स्टॉप लॉस लगा के तो एक काम करना, ये रीटेस्ट लेगा, स्विंग ट्रेड है, जब ये रीटेस्ट करके रीस्टार्ट करे तब एंटर करना, और हो सकता है सब कुछ बताने के बाद आप ये ट्रेड काम ना करे, क्योंकि ये पॉसिबल है, और जब तक आप ऐसा नहीं सोचोगे तब तक आप ट्रेडर नहीं बन सकते। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस एज वेल कि हर चीज प्लान करके भी फेल हो सकता है इंसान, सो बी रेडी फॉर अ लॉस एज वेल, और अगर हिम्मत है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इफ यू पुट 5 rupees इन मार्केट then only you can make 10 rupees from the market. अगर सोचेंगे I want to give 0 rupees to the market, then you will get 0 rupees or negative MTM, अगर होल्ड कर लोगे लूजर को तो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, प्लीज, दिस द एम ऑफ दिस वीडियो वाज टू क्रिएट सम अवेयरनेस कि स्टॉक किस तरीके से मूव करता है, हमेशा ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेक करता है सपोर्ट लेने के बाद, तो मैंने आपके लिए बना दिया, ओके? चलो, आई होप यू यूज दिस इंफॉर्मेशन एज ऑन योर ओन रिस्क, ऑन योर ओन एनालिसिस also and make some money. I always want my subscribers should make money and feel happy about themselves. Okay. All right, guys. Thank you so much. Bye. See you soon. All right. So you saw how we did analysis. थोड़ा सा data analysis भी किया हम लोगों ने, थोड़ा सा sector analysis भी किया हम लोगों ने, RRG भी देखा, and then आखिरी में सब कुछ जो secret है price action के अंदर है, हमने price action देखा कि पहले क्या हुआ था, history repeats itself in stock market, maybe real world में करें ना करें मुझे नहीं पता technology के कारण, but history repeats itself in stock market and that is the time when all people are confused and scared. इसीलिए आपको ना इतना in-depth analysis मैंने कराया. अब देखो risk management ऐसा है कि don't put the money that you cannot afford to lose. मतलब उधार लेकर के, या फिर कि मैंने बता दिया भाई पक्का काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं. इट इज नॉट अ स्पेशल ट्रेड, शायद मैं ऐसा पहले से पहली बार शेयर कर रहा हूं ऐसा केस स्टडी, बट ये एक नॉर्म हर बार ऐसे ही करता हूं, आप भी हर बार ऐसे ही करना चाहिए आपको. सो डोंट गेट टू एक्साइटेड, जस्ट आप भी इसके बाद थोड़ा देखो, दिमाग लगाओ, पुट द पोजिशन साइजिंग जिसमें कि कैलकुलेट करेंगे अपन 3% 2.5% स्टॉप लॉस. अगर 100 rupees का स्टॉप लॉस है, मैं एक फ्यूचर लॉट लेता हूं तो मेरा कितने का लॉस होगा, 5000 का होगा कि 50000 का होगा कि 25000 का, 3 फ्यूचर लॉट लेता हूं तो 25-30, ऐसे अगर वो फिट बैठता है उतनी ही क्वांटिटी ऑफ फ्यूचर लॉट्स आपको लेने चाहिए. और अगर ज्यादा डर लग रहा है ना, मत लो, रीटेस्ट होने का वेट करो. रीटेस्ट में तो फेल होगा तो फिर ट्रेड फेल हो गया, और रीटेस्ट में सक्सेसफुल हो गया तो प्रोबेबिलिटी और बढ़ गई, हम पैसा कमाएंगे, हम फिर से न्यू हाई की तरफ जाएंगे, क्योंकि ओवरऑल तो कभी ना कभी जाना ही है न्यू हाईस की तरफ हम लोगों को. ओवरऑल जो नेचर है निफ्टी 50 स्टॉक्स का, नेचर बुलिश ही है. तो रुक जाओ, जिनको डर लग रहा है रीटेस्ट के बाद ट्रेड लेना, जिनको श्योर है कि हाँ यार सही है, पोजिशन साइजिंग सही है, यू नो वी कैन नॉट बी सैड बिकॉज ऑफ वन लॉस, और वी कैन नॉट स्टार्ट सेलिब्रेटिंग लाइक दिवाली, ओ मैंने पैसे कमा लिए, क्योंकि वो पैसे जा भी सकते हैं. एज अ ट्रेडर यू नीड टू अंडरस्टैंड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स बोथ आर पार्ट ऑफ द सिस्टम, तो दोनों को मैनेज करके चलना, लॉसेस को रोक देना है एक लेवल पे, प्रॉफिट्स को बढ़ने देना है. यू कट योर लूजर्स एज सून एज पॉसिबल, यू लेट योर विनर्स रन, यूज सम टेक्निकल इंडिकेटर्स लाइक मूविंग एवरेज टू ट्रेल इट, और सम टेक्निकल लेवल्स टू ट्रेल इट, बट डू समथिंग लाइक दैट, ओके? एंड अगर किसी को डर लगता है कि हम हेज भी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली क्या कर सकते हो, यू कैन सिंपली, अभी अभी मंथ चालू हुआ है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप फ्यूचर लॉट्स के साथ साथ पुट्स बाय कर सकते हो. कौन से पुट बाय करना, आपको बाय करने चाहिए आउट ऑफ द मनी या एट द मनी पुट्स भी बाय कर सकते हैं, बट जो पैसा पुट्स में जाएगा वो इंश्योरेंस मनी की तरह है, वो वेस्ट होगा अगर कुछ बैड नहीं हुआ तो. आप स्टिल पैसे कमाएंगे लेकिन थोड़े कम कमाएंगे, और कुछ बैड होता है तो ये पुट्स आपको थोड़ा सा हेज करके बचा लेंगे, ज्यादा लॉस नहीं होने देंगे. तो समवन वांट्स टू डू इट, यू कैन गो विद एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पुट्स भी बाय कर सकते हैं, इसी एक्सपायरी के कर सकते हैं, ठीक है? तो गाइज आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, इफ यू लाइक माय एफर्ट यू शुड लाइक द वीडियो, लाइक का बटन देख रहे हो उसको दबाओ, उसको दबाने से एल्गोरिदम वर्क करता है, मेरे वीडियोस की रीच बढ़ती है, और मुझे मालूम चलेगा कि आपको क्या ऐसे वीडियोस भी पसंद आते हैं, ऐसा इनडेप्थ एनालिसिस. एंड प्लीज लेट मी नो थ्रू द कमेंट्स हाउ यू लाइक दिस वीडियो, और क्या वीडियोस बनवाना चाहते हो. लाइव वगैरह भी आने का प्लान कर रहा था, बट आप लोग बोलोगे तो आएंगे, कुछ बताएंगे क्रिप्टोस के बारे में, अबाउट द स्टॉक मार्केट, अबाउट ऑप्शंस वगैरह वगैरह, ठीक है? तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, कमेंट करके बताना. सब्सक्राइबर नहीं बने हो आज तक तो किस चीज का वेट करो, क्लिक द सब्सक्राइब बटन. एंड आई एम इन गुड मूड राइट नाउ, ऑल थिंग्स आर गोइंग गुड विद टाइम, आई एम टेलिंग यू विद टाइम थिंग्स गेट बेटर. तो पहले नहीं मालूम चलता, ये ऐसी चीज नहीं है कि धीरे धीरे, मतलब ये एक बार में आपको रिजल्ट देगी, इट्स लाइक कंपाउंडिंग. या कंपाउंडिंग इज द करेक्ट थिंग इन ट्रेडिंग ऑल्सो, योर नॉलेज योर स्किल्स विल कंपाउंड. सो आई होप आपकी कंपाउंडिंग रोके ना, बुरे एक्सपीरियंसेस को कट करे, अच्छे एक्सपीरियंस को बढ़ाए, एंड कीप डूइंग.
I wish you all the very best for your trading this week and this trade. Thank you so much, guys. See you soon in some other video. Thank you.